नेहरू के नाम पर बवाल, लोकसभा में राजनाथ सिंह ने छोड़ दी कुर्सी, स्पीकर बोलते रहे आप बैठ जाएं। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में बजट पर चर्चा के बीच बवाल मचा हुआ है। विपक्ष के सांसद सरकार को घेर रहे हैं और इसी बीच गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम लेने पर सदन में हंगामा हो गया। महाराष्ट्र की रायगढ़ सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सुनील दत्तात्रेय लोकसभा में बोल रहे थे। उनके बोलने के दौरान ही विवाद खड़ा हो गया। वे अपने भाषण के दौरान दूसरी सीट पर बैठने लगे, जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने विरोध दर्ज करवाया। बनर्जी ने कहा कि सुनील दत्तात्रेय को घूम घूम कर बोलने की इजाजत नहीं है। हालांकि विवाद की शुरुआत सिर्फ इसे लेकर ही नहीं हुई। सुनील दत्तात्रेय ने अपने भाषण के दौरान सरकार की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। नेहरू का नाम सुनते ही विपक्षी सांसदों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों में से एक को ये कहते हुए सुना गया, ये क्या बोल रहे हैं? इस पर एनसीपी सांसद कहते हैं कि मैंने क्या बोला है। एनसीपी सांसद दत्तात्रेय के बयान को लेकर काफी ज्यादा हंगामा होने लगा। स्पीकर की सीट पर बैठे जगदम्बिका पाल को बीच बचाव करना पड़ा। वे लगातार विपक्षी सांसदों खासतौर पर कल्याण बनर्जी से कहते रहे कि आप बैठ जाइए। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खड़े हो गए। फिर स्पीकर कहते हैं माननीय रक्षा मंत्री आप बैठ जाएं। वे लगातार रक्षा मंत्री से बैठने की गुजारिश करते रहते हैं, मगर विपक्ष के लगातार विरोध के बाद सदन को स्थगित करना पड़ा।